कल केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। इस बजट को लेकर क्या अपेक्षा है, इसी प्रश्नों के साथ हम इस वक्त कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जैसे नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे कॉमर्स की पढ़ाई होती है। पहले यहाँ पे कॉमर्स की पढ़ाई होती थी और कॉलेज ऑफ कॉमर्स की गिनती वाणिज्य की पढ़ाई में पूरे बिहार में अव्वल कॉलेजों में होती है। इस वक्त इसी कॉलेज के छात्र और छात्रा हमारे साथ हैं। ये जो है अलग अलग फैकल्टी के छात्र हैं, छात्राएं, जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आकांक्षा सिंह। क्या, कौन सी स्ट्रीम में है आकांक्षा? BSc IT। BSc IT। कल जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद यही है कि ये हम लोग को जॉब के लिए ज़्यादा फैकल्टी दिया जाए, कि ताकि जो बेरोज़गार है उसको जॉब मिल जाए आसानी से, और जो भी मेहनत कर रहा है उसको आसानी से किसी भी में ये जॉब हो जाए। क्या नाम है आपका? नेहा झा। बताइए कि ये अभी जो कल जो बजट पेश होने वाला है, क्या अपेक्षा रखी? आप एक खुद एक छात्रा हैं, डिग्री पूरी करने बाद आप जॉब में जाएंगी, आपको क्या अपेक्षा है इस बजट से? मेरी इस बजट से तो यही अपेक्षा होगी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सरकार को ज़्यादा ध्यान दे और हमारे जॉब के लिए वैकेंसियाँ भराएं। जो सॉफ्टवेयर एक नहीं होता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, कुछ डेवलपर भी होते हैं, तो मैं सरकार से यह अनुरोध करूँगी कि कुछ ना कुछ हमारे लिए भी कुछ सोचे और हमारे लिए कुछ वैकेंसियाँ भराई जाए। क्योंकि जिस हिसाब से हमारा कॉलेज है, ना तो कोई अच्छी कंपनी आती है इंटर्नशिप के लिए, तो हमारे स्किल डेवलप के लिए कुछ बाहर से कुछ कोर्स ऐसा दिया जाए हम लोगों कि हम लोग उसमें डेवलप कर सकें। ये बताइए कि पिछले 10 साल से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, युवाओं की अपेक्षा पे कितनी खरी उतरी है ये सरकार? क्या लगता है कि जॉब क्रिएशन है? कल रेलवे के बच्चे लोग हंगामा कर रहे थे कि सीट बढ़ाई जाए। रोजगार के क्षेत्र में कितना काम हुआ है? ऐसा नहीं है कि रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन जो उम्मीदवार होते हैं, जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट होंगे उन्हीं को जॉब होगा। यहाँ पे बिहार में ये होता है कि थोड़ा जातिवाद होता है, तो किसी को ग्रेजुएशन मिलता है उस हिसाब से, किसी को छोटे कास्ट वाले को नहीं होता है। इसीलिए सबको चाहिए कि पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत हम लोग को स्पेस दिया जाए, वैकेंसी बढ़ाया जाए। बैंकिंग एक महत्वपूर्ण सेक्टर होता है। पहले IBPS के माध्यम से हजारों की संख्या में बहाली आती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया सिंह है। रिया, बताओ कि क्या उम्मीद है इस बजट से, आपको क्या उम्मीद है? इस बजट से हम लोग को यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, हम लोग को ज़्यादा जॉब मिले, और जिसको मतलब जो जिस लायक, मतलब वो जॉब के लायक जो भी है इंसान, उसे ये जॉब मिले बस। और तो क्या लगता है कि जो इस बार का बजट, महंगाई के बारे में क्या सोचती है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी का लेवल बहुत ऊँचा है, क्या समझती हैं आप? हाँ, महंगाई तो है तो, और बेरोजगारी भी है तो, लेकिन ऐसा नहीं है जो उस जॉब के लायक है उसे जॉब में मिल रहा है। और मेन पर्पस ये है कि हम लोग जो होते हैं, बहुत सारे जनरल होते हैं जिन्हें वो आरक्षण नहीं होता, लेकिन हम मतलब ये होना चाहिए कि स्टूडेंट को ये हटा देना चाहिए, मतलब आरक्षण वाला हटा देना चाहिए, क्योंकि भाई जो जनरल है वो ज़्यादा मतलब मेहनत करते हैं फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता। एक सवाल ये है कि जब आप लोग यहाँ से डिग्री पूरा करके जाएंगे आप लोग, ठीक है, तो बढ़िया कंपनी होगी तभी रोजगार मिलेगा, तभी बढ़िया प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे कोई कंपनी वगैरह आती है प्लेसमेंट के लिए? अभी मैंने देखा कोई बजाज एलियांज का कुछ लगा हुआ था। हाँ, आती है। ये तो हमारे कॉलेज में अभी फेस्ट था, इस वजह से ये बजाज का आया हुआ था, हीरो बाइक कंपनी का कुछ, वैसे वो जो बताया प्रमोशन किया गया था, बस यहाँ पे वही हो रहा था। इंटर्नशिप के लिए यहाँ कंपनियाँ आती हैं, बहुत सारी कंपनी, विप्रो आती हैं, विप्रो हो गई। मैंने TCS वगैरह में कुछ लोगों का हुआ है। हाँ, हुआ था, हमारे सीनियर भैया लोगों का हुआ। तो ये छात्राएं थी जो BSc IT की छात्राएं थी, प्रोफेशनल छात्राएं हैं, इनसे उम्मीद होती है कुछ और छात्रा है जिनसे हम मिलेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार नाम है। क्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हो सौरभ? अभी BSc फाइनल हो गया। BSc फाइनल हो गया, यानी तुम ग्रेजुएट हो जाओगे? जी। एक ग्रेजुएट जब हो जाता है तो घर के लोग जो है अपने बच्चे से जॉब की उम्मीद करते हैं। आपको क्या लगता है पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है, और कल जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर क्या अपेक्षा रखते हैं? यूथ को तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट के नाम पे पब्लिक सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिली है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में जिस तरीके से होना चाहिए सब चीज़, उस तरीके से यूथ जो है खुश नहीं है गवर्नमेंट से। यूथ खुश नहीं है, दरअसल ये यूथ ही तय करते हैं, आप मेरे साथ रहिए, दरअसल ये युवा ही तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता से बेदखल होगा। जो युवा है जब वो ग्रेजुएट कर लेता है, PG कर लेता है, तो उसकी अपेक्षा होती है कि बैंकिंग सेक्टर है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, टीचिंग लाइन है, इस सब में उसकी नौकरी लगे, डिफेंस लाइन में उसकी नौकरी लगे। लेकिन जो नौकरी का जो पैमाना है उसमें कुछ सरकार को लेकर काफ़ी नाराजगी है। कल इसी जगह पटना में प्रोटेस्ट हुआ था। क्या नाम है, क्या लगता है
गोविंद यादव, मैं एक LLB का छात्र हूँ कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। कल जो बजट आ रहा है उसको लेकर क्या उम्मीद है आपकी? बिहार सरकार का बजट या केंद्र सरकार का? देखिए, केंद्र सरकार जो है युवाओं के प्रति पिछले 10 सालों में उनका जो रवैया रहा है पूरे देश में, उनके प्रति अभी गुस्सा युवाओं में। रोजगार किसी भी सेक्टर में केंद्र सरकार देने में युवाओं को विफल रही है, और वो जो कल आम बजट अगर आएगी तो देखिएगा सिर्फ उसमें कॉर्पोरेटाइजेशन को फायदा होगा, उद्योगपतियों को फायदा होगा, आम इंसान को उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलने वाला है 10 सालों में जो अभी तक देखने को मिला है। अभी तक गरीब और गरीब हुआ है, मिडिल वर्ग और धराशायी हुआ है। हाँ, दरअसल क्या है, हम बताते हैं सरकार, क्या जो बजट होता है, जो छोटी बजट योजनाएं होती है जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, RD होता है, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कई भारत के बैंकों में काफ़ी ऊँचा हुआ करता था, लेकिन जैसे साल बीतता गया जो ब्याज दर है वो काफ़ी कम होता गया। अब अगर किसी के पास लाख रुपये होते थे तो FD करता था, यानी वो फिक्स डिपॉजिट करता था, उसका इंटरेस्ट उसे काफ़ी अच्छा मिलता था। RD यानी रेकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम लोग सावधि जमा योजना कहते हैं, उस पर इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा आता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफ़ी कमी आई है। क्या हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? बताइए सर, क्या कहना है आपका? कल जो निर्मला सीतारमण, उससे क्या उम्मीद रहेगी आपको? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं निर्मला सीतारमण से, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि एक जो राम मंदिर बन गया वो काफ़ी अब हम लोग के लिए, अब मुद्दों को भटकाए नहीं जाए। ओ, यानी चाहते कि धर्म का काम नहीं, कर्म की बात हो, कर्म की बात हो। हाँ, एक राम मंदिर था, इशू था जो हम लोग का था, सब चीज़ वो हुआ। हाँ, लेकिन अब हर 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 फील्ड को मंदिर से जोड़ा जाए, कि उस मस्जिद को हटा करके मंदिर बनाया जाए, उस पर यूथ को भड़काया नहीं जाए और ना ही उसको बरगलाया जाए। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, आपका लक्ष्य है अगले 3 साल में 5 ट्रिलियन का, वो हम मानते हैं, लेकिन वो करके दिखाइए ग्राउंड लेवल पे। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। शुभम, ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? अभी ग्रेजुएशन कर लिया है, फाइनल ईयर कंप्लीटेड है। क्या सब्जेक्ट था? ऑनर्स? मेरा BBM था, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तब तो यार तुम्हें तो बजट के बारे में जानकारी होगी। जी, जो कल जो बजट पेश होने वाला है, क्या लगता है, क्या उम्मीद है, किस किस चीज फील्ड में सरकार से राहत चाहते हैं आप? पेट्रोल जो 107 रुपये लीटर है जी, सिलेंडर 1000 रुपये का आसपास मिल रहा है जी, क्या चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक आप पेट्रोल का बात किए हैं या फिर गैस सिलेंडर का, ये सब देखिए गरीब लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ जा रहा है, इसमें कुछ कमी है पहली बात। दूसरी बात कि युवाओं को जॉब चाहिए, राम मंदिर और कृष्ण मंदिर ये सब मंदिर के ऊपर जाने से नहीं होता है। हमेशा अभी हम लोग को क्या किया जा रहा है, मंदिर के ऊपर ज़्यादा फोकस करवा दिया जा रहा है कि मंदिर है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सही बोल रहे हैं। लेकिन सर, हमारे यहाँ मंदिर के अलावा भी बहुत कुछ है। अभी हम लोग को कर्म चाहिए जी, अभी हम लोग को जॉब चाहिए, रोजी रोटी, जो अभी हम लोग युवा है, शिक्षा चाहिए, रोटी चाहिए, आपको उसके लिए कमाना पड़ेगा, जॉब ही नहीं मिल रहा है। आप रेलवे का देखिए, अभी 5 साल होने जा रहा है, रेलवे का अभी तक एग्ज़ाम का कोई भी डेट नहीं आ रहा है, फॉर्म भर के रखा हुआ है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। अभी दरोगा वाला रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था सिपाही भर्ती का, वो कैंसिल कर दिया गया, उसका भी एग्ज़ाम का डेट अभी आने वाला है, वो भी नहीं आया। रोजी रोटी कि रोजगार सृजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, सरकारी नौकरी चाहते हैं आप लोग? बिहार के जो युवा होते हैं, मैं आ रहा हूँ, बिहार के जो युवा होते हैं उनमें सरकारी नौकरी की एक ललक होती है, और सरकारी नौकरी के बारे में चाहे कुछ भी कहा जाए, उसमें जो पीस ऑफ माइंड होता है वो गारंटिड होता है, और जो एश्योरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए बिहार के युवा जो है सरकारी नौकरी के प्रति उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा होता है। आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो युवा जो है वहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए मिल जाएंगे। अब ये युवा है कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र हैं, अब इनके पास इन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री पूरी कर ली है, इनका आरोप है कि जो केंद्र सरकार है वो मंदिर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन जो जॉब है वो जॉब नहीं हो रहा है। आपने सुना होगा कि मैं आ रहा हूँ कि पिछले कुछ महीने से जॉब कैंप लगता था, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते थे भारत के अलग अलग जिलों में, शहरों में, और वो जॉब नियुक्ति पत्र देते थे, पिछले 2 महीने से तो वो ही बंद हो गया है। नियुक्ति पत्र सबसे पहले तेजस्वी यादव जी बांटे हैं, उसी को कॉपी भाजपा वाले लोग किए हैं जी। तेजस्वी यादव ही थे पूरा देश में पहला बार नियुक्ति पत्र बांटे हैं उसी के गांधी मैदान में, उसी के आधार पर भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं और उसी चीज को कॉपी कर रहे हैं, और उनका कोई मुद्दा है नहीं। क्या चाहते हैं नौकरी के मामले में, क्या चाहते हैं? इधर आइए, कल जब सीतारमण बजट पेश करेंगी तो क्या उम्मीद रहेगी आपको? मतलब कि मध्यम वर्ग के लोग के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, उनके रोज मतलब जो जीवन यापन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पहले उनके बारे में सोचा जाए। बिहार को कुछ मिलेगा? अब तो नीतीश जी भी साथ हो गए हैं, कुछ मिलेगा बिहार को? अब कुछ नहीं, एक मंदिर मिलने वाला है बस। रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर मिलेगा,
कहा कि अब वो डबल इंजन का सरकार आ गया है, यहाँ तो तेजस्वी भैया तो उनको हटा गया कि नौकरी बांट रहे थे भाई इनको, उनको पेट में तो दर्द हो रहा था सम्राट चौधरी का, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया है। तो अब तो डबल इंजन का सरकार आ गया है ना, अब तो नौकरी देना। वो चिल्ला रहे थे, नस फट रहा था उनका कि इतना नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे। कहाँ है नौकरी भाई, आए कहाँ है? आज नौकरी रहता तो यही राजनगर टर्मिनल पर लाठी खाने वाला छात्र है जो एनसीपीटी में मारा था पुलिस ना, हाँ याद है, अभी भी दिल में दर्द है वो हमको। क्या नाम है आपका? रविशंकर। कौन से स्ट्रीम में हो? बीबीएम। क्या उम्मीद, कल जो बजट आने वाला है क्या उम्मीद है बजट से? देखिए अच्छा ही उम्मीद होगा। हाँ बढ़िया होगा। हाँ जी उम्मीद तो है। देखिए इसका भी निकला हुआ है बिहार एसएससी का, उनका भी एग्जाम होने वाला है, फिर झारखंड भी एथी का निकला हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि जो बच्चे हैं अब, चूँकि कल जब बजट पेश होगा तो पता चल जा पाएगा कि बिहार के हिस्से में क्या आया, रोजगार में क्या हुआ, जो छोटी बड़ी जो बचत योजनाएं हैं उसमें क्या हुआ और किस तरीके से नए तरह के रोजगार को उत्पन्न किया गया। लेकिन ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका कहना है कि बजट से उनको काफ़ी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो सरकार का रिकॉर्ड है वो बजट के मामले में या रोजगार के मामले में कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है। कैमरा पर्सन